हे दोस्तों, मैकडॉनल्ड, आइकिया, फोर्ड, मोटरोला, याहू, इन सारी कंपनीज के सारे सीईओस की सारी इनकम मिला दो तो उन सारी इनकम से ज्यादा पैसे कमा रहा है यह अकेला एंटरप्रेन्योर जिसका नाम है एलेक्स हरमोजी। और यह अमेजिंग फीट वो 2017 से लगातार करते आ रहे हैं। एलेक्स हरमोजी की नेटवर्थ आज 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा की है। नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ऑफ आर टाइम। इसीलिए अगर आप एक एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन, कोच, कंसल्टेंट हो जो ऑनलाइन काम कर रहा है या एटलीस्ट फ्यूचर में ऑनलाइन अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहता है, पर्सनल ब्रांड बनाना चाहता है, तो आज का वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। आज मैं आपको एलेक्स की केस स्टडी बताने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव करी, उनकी स्टोरी क्या है, जो ऑब्वियसली आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर भी करेगी और आपको कई सारे क्रूशियल एंटरप्रेनरशिप के लेसन भी सिखाएगी। टू बी ऑनेस्ट, एलेक्स की स्टोरी ने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और मैं तो सच बोल रहा हूँ, उनका फैन हो गया हूँ। इसलिए आई थिंक आपको भी उनकी स्टोरी सुनना बहुत ज़रूरी है। एलेक्स की स्टोरी की स्टार्टिंग थोड़ी बहुत वो थ्री इडियट्स के फरहान की तरह है। एक स्मार्ट बच्चा विद अ स्ट्रिक्ट इमिग्रेंट डैड, ऐसे टाइप के डैड होते ना जिसके बच्चे को 100 में से 99 भी मिल जाए तो वो कॉन्ग्रेट्स करने के बजाय एक मार्क्स क्यों नहीं आया उसके लिए डांटते हैं, वैसे टाइप के डैड। ना कुछ भी हो, वो अपने डैड को प्यार बहुत करते थे और वो उन्हें प्रूफ करना चाहते थे कि हाँ, ही इज़ रियली गुड। इसीलिए उन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत सारी पढ़ाई करी, एक साल जल्दी ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके दिखा दी और एक बहुत ही अच्छी सैलरी वाली बड़ी सी जॉब ले ली, खुद का घर खरीद लिया। हर वो चीज़ उन्होंने कर दी जो उनके डैड उनसे एक्सपेक्ट करते थे, जिससे उनके डैड तो बहुत खुश हो गए। बट गेस व्हाट, ये सब इतनी यंग एज में अचीव करने के बाद भी वो खुद काफ़ी ज़्यादा सैड थे। इतने सैड हो गए थे कि उन्हें लगने लगा कि कल सुबह नहीं भी उठूंगा ना तो भी कोई बात नहीं। बट फिर भी 2 साल उन्होंने जैसे तैसे ट्राई किया, बट वो खुश नहीं रह पा रहे थे। फाइनली उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने डैड के अगेंस्ट जाके वो अपनी ज़िंदगी को अपनी मर्जी से जीना स्टार्ट करेंगे और खुद का बिजनेस करेंगे जैसा वो हमेशा से चाहते थे। द बिग डिसीजन। ना देखो, बिजनेस करने के लिए वो चीज़ समझते थे कि बिजनेस सीखना ज़रूरी है, इसलिए एलेक्स ने सबसे पहले बिजनेस स्कूल जाने का सोचा। बट फिर कुछ दिन लॉजिकली एनालाइज करने के बाद उन्होंने ये डिसाइड करा कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और अपने लाइफ के कई सारे इंपॉर्टेंट साल यहाँ इन्वेस्ट करने के बजाय अगर वो सेम टाइम और पैसे डायरेक्ट किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर, बिजनेसमैन स्लैश मेंटर से सीखने में डाल देंगे और जल्द से जल्द खुद का बिजनेस लॉन्च करेंगे तो वो इन चीज़ों से ज़्यादा सीखेंगे कंपेयर टू अ बिजनेस स्कूल। सो फिर उन्होंने यही वाला ऑप्शन चूज़ किया। और क्योंकि एलेक्स को बचपन से ही ना बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा शौक था, उनके जेनेटिक्स अच्छे थे, उनकी बॉडी अच्छी थी, तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड करा कि वो बॉडी बिल्डिंग में ही घुसेंगे, जहाँ उन्होंने फिर अलग अलग कई सारे मेंटर्स, पोटेंशियल मेंटर्स को मेल डालना स्टार्ट किया। अराउंड 40 के ऊपर उन्होंने मेल्स कर डाले बट किसी का रिप्लाई नहीं आया सिवाय एक इंसान के। एक मेंटर ने लकीली उनको रिप्लाई कर दिया जिनका नाम था 7 Figure Sam, इसी नाम से वो फेमस थे। उन्होंने एलेक्स को अपॉर्चुनिटी दी साथ में काम करने की। बस फिर क्या था, एलेक्स ने अपना घर बेच दिया, जॉब छोड़ दी, अपने डैड के अगेंस्ट जाके वो अमेरिका के एक कोने से ड्राइव करके अमेरिका के दूसरे कोने चले गए अपने मेंटर से सीखने के लिए। नाउ एलेक्स को दरवाजे पे देख के सैम जो थे वो काफ़ी शॉक्ड हो गए थे, उन्हें लगा नहीं था कि यह बंदा इतना जल्दी आ जाएगा। बट एलेक्स के डेडिकेशन सैम को पसंद भी आया। इसके बाद सैम के साथ मिलके उन्होंने सुबह शाम जिम में काम करना स्टार्ट कर दिया और ऑब्वियसली काम करते करते वो वहाँ पे सेल्स, मार्केटिंग, कस्टमर हैंडलिंग और जिम का बिजनेस कैसे चलता है वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ से सीख ली। कई महीने वहाँ पे सीखने के बाद उन्होंने डिसाइड करा कि अब वो खुद का जिम लॉन्च करेंगे। न काफ़ी सर्च करके, मेहनत करके उन्होंने अपना खुद का जिम खरीद तो लिया, बट ये खरीदने में ही उनके सारे पैसे खत्म हो गए, इसलिए फिर उन्होंने अपने जिम को ही अपना घर बना लिया। ये टाइम उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट साबित हुआ। बात ये थी ना कि उनका जो पहला क्लाइंट था वो सुबह 4 बजे तक आता था और उनका जो आखिरी क्लाइंट होता था वो 9 या 10 बजे तक आता था। प्लस इसके साथ साथ रात में ना जिम में थोड़ी गर्मी भी बहुत होती थी और उनका जो जिम भी था ना वो एक पार्किंग स्पेस के नीचे था और वो पार्किंग में ऐसा एक मेटल का प्लेट होती है ना, ग्रिड होता है, वैसा लगा हुआ था जिससे जब भी रात में गाड़ी गुजरती थी तो खट खट करके एकदम तेज़ आवाज़ आती थी जो बुलेट की तरह एलेक्स के कानों में चुभती थी रात भर। इन सारे रीजंस की वजह से उन्हें नींद मिल ही नहीं पाती थी। शावर करने के लिए उन्हें किसी दूसरे जिम में जाना पड़ता था। लॉन्ड्री करने के लिए वो अपने क्लाइंट्स की हेल्प लेते थे जो उन्हें बहुत एम्बेरसिंग भी लगता था, बट स्टिल वो डटे रहे। पर्सनल प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी थी बट ऑन द अदर हैंड बिजनेस अच्छा चल रहा था। एलेक्स ने एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी का यूज़ करके काफ़ी सारे क्लाइंट्स बहुत जल्दी ही गेन कर लिए थे। उनका जिम पूरा क्लाइंट से भर चुका था। कैसे? वेल, वो क्या करते थे कि क्रेडिट कार्ड का यूज़ करके एक अच्छा ऑफर क्रिएट करके वो एड्स चलाते थे, जिसके बाद जो एक दो लोग भी उस एड्स की वजह से जिम में आते थे वो उन्हें एक ऐसा ग्रैंड स्लैम ऑफर देते थे कि जो सामने वाला है ना वो ना बोल ही ना पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल,
जहाँ मैक्सिमम जिम लोग अपनी जिम्स बेचते हैं कि उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, ये अच्छा है, वो अच्छा है, वहीं एलेक्स क्या करते थे, वो जिम नहीं बेचते थे, वो बेचते थे वेट लॉस प्रोग्राम। वो बोलते थे क्लाइंट को कि अगर आप हमारा जिम ज्वाइन करते हो तो पक्का आप 5 से 10 किलो लूज करोगे ही करोगे, और अगर नहीं करोगे तो पैसे वापस। वेल ये बस एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही कुछ ऐसा ऑफर क्रिएट करते थे जिससे ना बोलना क्लाइंट्स के लिए नामुमकिन होता था, और क्लाइंट्स कन्वर्ट हो जाते थे, पैसे देते थे, जिन पैसों की हेल्प से फिर वो जो क्रेडिट कार्ड का बिल आया होता था जिसे भरने का टाइम मिलता है वो उस बिल को पे करते थे। सो बेसिकली यहाँ वो बिना खुद के पैसे इन्वेस्ट करे क्लाइंट्स पे क्लाइंट्स लाने लग गए थे ग्रैंड स्लैम ऑफर का यूज़ करके। ये सिस्टम काफ़ी ज़बरदस्त साबित हुआ, जिसकी वजह से ही उन्होंने फिर कुछ ही टाइम में 5 नए जिम्स खोल लिए। अब अगर ऑफर की बात चल रही है तो मैं भी आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। अगर आप बिजनेस करते हो कोई सा भी, और आपको यूट्यूब का यूज़ करके एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाना सीखना है, ऑर्गेनिकली विदाउट एड्स में पैसे खर्च करके लीड्स जनरेट करना सीखना है, तो मैं एक एक्सक्लूसिव बिजनेस ई मीटिंग करने वाला हूँ आप लोगों के लिए ही, जहाँ मैं आपको यूट्यूब को एज अ फ्री ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मशीन कैसे बना सकते हो वो बताऊँगा। देखो मैंने खुद ने पर्सनली कोई एड्स रन नहीं किए हैं आज तक, बट स्टिल हमने बहुत सारे लीड्स जनरेट किए हैं और हम लोग रेगुलरली करते रहते हैं लीड्स जनरेट। अब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस ई मीटिंग में बताने वाला हूँ। इसलिए अगर आप बिजनेस ओनर हो, सीखना चाहते हो मुझसे डायरेक्टली, सो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कर देना। ना वापस स्टोरी पे आए तो 5 जिम्स खोलने के बाद अपने इस सक्सेसफुल सिस्टम को लेके वो रसल ब्रांसन के पास गए, .com सीक्रेट जिसने लिखी है ना वही। ना वहाँ पे जाने के बाद रसल ब्रांसन ने एलेक्स को कुछ ऐसा बोला जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा सोच में डाल दिया। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रसल उनकी तारीफ़ करेंगे, बस तारीफ़ करने के बजाय रसल ब्रांसन ने उन्हें एक ऐसा फीडबैक दिया जो बहुत अमेजिंग था। रसल ने कहा कि तू मैंने एक्चुअली एक लेवल 10 स्किल्स रखने वाले इंसान हो जो अभी लेवल 2 में फंसा हुआ है, मतलब तुम एक्चुअल में ना जिम लॉन्च करने में और खूब सारे क्लाइंट्स लाने में बहुत अच्छे हो, सेल्स करने में बहुत अच्छे हो, ना कि जिम संभालने में जिसमें तुम्हारा अभी मैक्सिमम टाइम जा रहा है, इसलिए तुम उस पर फोकस करो जिम लॉन्च करने पे। बस फिर क्या था, एलेक्स ने उनके सजेशन को सीरियसली लिया और उन्होंने अपनी एक न्यू कंपनी लॉन्च कर दी जिम लॉन्च नाम से, जहाँ वो लोगों को जिम लॉन्च करने में हेल्प करते थे और वहाँ पे क्लाइंट्स भरने में हेल्प करते थे। नाउ ये भी एक बहुत सक्सेसफुल मूव था, बट ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी था क्योंकि उन्हें कई सारी अलग अलग फ्लाइट्स लेनी पड़ती थी, कई सारी अलग अलग जगह जाते थे वो, और बिजनेस को ग्रो करने में वहाँ पे सबको हेल्प करते थे। बेसिकली ना वो कई सारे अलग अलग बिजनेस के अनऑफिशियल CEO बन गए थे, जिन सब की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही आ रही थी। नाउ एक बिजनेस हैंडल करना बहुत बड़ी बात होती है, बट यहाँ पे वो मल्टीपल बहुत सारे लोगों के बिजनेस कहीं ना कहीं हैंडल कर रहे थे, जो ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। वो बोलते हैं स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना कि वो आधा आधा बॉटल शराब पी लेते थे, मज़े के लिए नहीं, बस अपना स्ट्रेस कम करने के लिए। और इसी स्ट्रेस के दौरान ही उनकी मॉम की तबीयत भी हद से ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ गया। अब ये सारा प्रेशर मिल के ना उनके सर के ऊपर से जा रहा था। तभी एक रात शराब पी के गाड़ी चलाने की वजह से उनका एक्सीडेंट भी हो गया, उन्हें एक DUI मिल गया, मतलब चीज़ें बुरी से और बुरी, तब उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जेल से निकलने के बाद उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया कि तुमको अब ये सारी चीज़ें को क्विट करना पड़ेगा, या तो तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो या तो मुझे छोड़ दो। नाउ ये अल्टीमेटम मिलने के बाद एलेक्स ने फाइनली डिसाइड करा कि वो जो जिम लॉन्च करते हैं उसके अलावा बाकी सारे जो बिजनेसेस में वो घुसे हुए थे वो सारी चीज़ों को वो छोड़ देंगे, बेच देंगे। और फिर उन्होंने यही किया, उन्होंने अपने सारे पुराने बिजनेस को जिसमें वो थे जिम्स, उसको बेच डाला, जिससे काफ़ी सारे पैसे उनके पास आए। अब ये चीज़ काफ़ी खुशी वाली चीज़ भी हो सकती थी, बट यहाँ एक और प्रॉब्लम हो गई। बात ये थी कि ये सारी जो बिजनेसेस उन्होंने बेचे थे एलेक्स ने, वो सारे बिजनेसेस के पैसे जो थे, जो बहुत सारे थे, वो उन्होंने एक ऐसे अकाउंट में डाले थे जिसके ओनर सिर्फ वो नहीं थे बल्कि वहाँ पे उनका एक पार्टनर भी था जिसके साथ मिलके उन्होंने ये सारे बिजनेस को संभाला था। अब वो जो पार्टनर था ना, वो एक्चुअल में धोखेबाज निकला, जिसने बिना एलेक्स को बताए पूरे पैसे उस अकाउंट से निकाल लिए। मतलब रातों रात सारी मेहनत ख़त्म, सारी मेहनत जो उन्होंने पिछले 5 साल में करके बनाई थी, इतने सारे जिम बिजनेसेस बनाए थे, वो सब गायब हो चुका था, पुराने पैसे पूरे गायब। और बस इतना ही नहीं, अभी जो वो जिम लॉन्च कर रहे थे, जो काफ़ी हिट भी हुआ था, उससे उन्हें $100,000 मिलने वाले थे, बट ये भी जो पैसे थे वो उनको मिल नहीं रहे थे। वो अथॉरिटीज़ को फ़ोन कर करके परेशान हो गए थे, बट ये जो अथॉरिटीज़ थी जो जिम और क्लाइंट्स के बीच के पैसे को यहाँ वहाँ करता था और एलेक्स तक देता था, वो लोगों को एलेक्स का ये बिज़नेस अजीब लगने लगा, जहाँ पे सिर्फ 6 लोग मिलके डेली के $8,000 के सेल कर रहे थे। ये उन्हें कुछ इल्लीगल सा लगा और कुछ लीगल इश्यूज भी उसमें थे भी, इसीलिए वो जो सारे पैसे एलेक्स को मिलने वाले थे वो उन्होंने फ्रीज कर दिया और उन्हें देने से सीधा मना कर दिया। ये टाइम एलेक्स हद से ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज़ चलने लगी थी,
वो कहीं पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। और तभी उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड से भी बोल दिया था कि मैं एक डूबता हुआ जहाज हूँ और मैं तो तुमको यही सजेस्ट करूंगा कि तुम मुझे छोड़ दो। बट सरप्राइजिंगली इसके ऊपर उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा तो भी वो उनके साथ ही रहेगी, वो उनके साथ ब्रिज के नीचे सोने के लिए भी तैयार थी। नौ ये चीज़ एलेक्स हरमोजी बोलते हैं कि उनके लिए बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग और पावरफुल साबित हुई, उन्हें बहुत ज़्यादा हिम्मत आई दुनिया से लड़ने की, इसलिए वो अगेन खड़े हुए इन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। नौ एक प्रॉब्लम तो चल रही नहीं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, खर्चे बहुत ज़्यादा थे, क्रेडिट कार्ड के बिल्स आते जा रहे थे। उन्होंने एक न्यू प्रोसेसर के साथ जो रिस्की बिजनेसेस को सपोर्ट करता था उसके साथ बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था और अगेन मेहनत भी रंग लाने लगी। उन्होंने एक और लॉन्च किया जिसके ऊपर उन्हें $100,000 उन्होंने कमाए। इस बार उनके जो पुराने उधार थे उन्होंने इन पैसों से उसे खत्म किया। बट फिर एक दिन चीजें सडनली थोड़ी अच्छी होना स्टार्ट हुई, बट फिर वापस से कुछ अजीब हुआ। एक दिन एलेक्स की गर्लफ्रेंड ने लैपटॉप में एलेक्स को दिखाया उनका बैंक स्टेटमेंट, जिसमें सिर्फ नेगेटिव 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 पैसे दिख रहे थे, मतलब पैसे कटते जा रहे थे उनके, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। और ये पैसे कहाँ कट रहे थे? वेल एक्चुअली उनका ये जो बिजनेस मॉडल था ना उसमें एक प्रॉब्लम थी जो उन्हें अभी दिख के आ रही थी। बात ये थी कि एलेक्स जिम ओनर्स को हेल्प करते थे उनके जिम को लॉन्च करने में और हाई पेड क्लाइंट्स लाने में। बट जैसे ही लॉन्च हो जाता, हर चीज़ हो जाती अच्छे से, तो ये जो जिम ओनर्स थे वो लोग भी अगेन धोखेबाजी करने लग गए। उन्होंने क्या किया कि वो अपने क्लाइंट्स को बोलते थे कि तुम एलेक्स हरमोजी को पे करने के बजाय वो वाली मेंबरशिप को कैंसिल कर दो और डायरेक्टली हमसे मेंबरशिप ले लो, वो भी कम पैसों में, जिसकी वजह से ही कई सारे मेंबर्स के रिफंड्स आना स्टार्ट हो गए थे। वो सारे उनके पुराने जिम्स और नए जिम्स भी जो वो लॉन्च कर रहे थे उन सभी जगह से रिफंड पे रिफंड आना चालू हो गए थे। इनफैक्ट इतना रिफंड आ चुका था कि वो $150,000 डेट में चले गए थे। और ये प्रॉब्लम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जितना वो बेचते जा रहे थे, जिम लॉन्च करते जा रहे थे, उतने रिफंड भी बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो किसी रेत के दलदल में फंस गए हैं, क्विक सैंड में, जहां वो जितने कदम ले रहे थे बाहर निकलने के लिए ही उतने ही उनके कदम धंसते जा रहे थे। अब ये 2017 की बात थी, तब एलेक्स ने नोटिस करा कि लीला जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो एक साइड बिजनेस भी कर रही थी जहां वो क्लाइंट्स को वेट लॉस कराने में हेल्प करती थी, वो भी ऑनलाइन। और ये जो उनका ऑनलाइन बिजनेस था, साइड बिजनेस, वो काफ़ी अच्छा ही चल रहा था। लाइक वो हार्डली 4 to 5 hours इन्वेस्ट करती थी जिसके ऊपर वो उन्हें महीने के $4,000 मिलते थे। और ये चीज़ एलेक्स को इंटरेस्टिंग लगी, इसीलिए वो इसके ऊपर मेहनत करने लग गए और वहाँ से थोड़े बहुत पैसे आना स्टार्ट भी हो गए। ये सब चल ही रहा था तभी एलेक्स को एक जिम ओनर जिसको उन्होंने पहले जिम लॉन्च में हेल्प करा था उसके एक दोस्त ने कॉल किया जो बहुत परेशान था बेचारा। उसने एलेक्स हरमोजी को कहा कि प्लीज़ मेरा एक जिम लॉन्च करा दीजिए, मुझे पता है आप बहुत अच्छा जिम लॉन्च करते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स ला के भी देते हो, आप प्लीज़ मुझे वो करने में हेल्प करिए। लेकिन अभी जो एलेक्स थे ना वो इस चीज़ से अपने आप को दूर कर रहे थे, उनको पता था लोग सिर्फ उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और बाद में धोखा दे देते हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। बट फिर उस आदमी ने कुछ इंटरेस्टिंग मांग लिया। उसने कहा कि ठीक है आप फ्लाइट लेके मेरे जिम लॉन्च पे नहीं आ सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट एटलीस्ट आप वो सारी चीज़ें मुझे सिखा तो सकते हो जो आप करते हो एक अच्छा जिम लॉन्च करने में ना। क्योंकि वो आदमी इतना परसिस्टेंट था इसीलिए एलेक्स हरमोजी ने कहा कि हाँ वो मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो उसने पूछा कि हाँ कितना पैसा लोगे आपको सिखाने का? तो एलेक्स हरमोजी को तब इतना दिमाग चल रहा नहीं था, वो सिर्फ उसे अवॉइड करना चाहते थे, इसलिए उनके दिमाग में जो सबसे बड़ा नंबर आया जो था $6,000, उन्होंने कहा कि मैं $6,000 चार्ज करूंगा इसके। उसने कहा डन करते हैं। नो ये सुनते ही एलेक्स हरमोजी का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, उनको यकीन नहीं हो रहा था उन्होंने अभी बैठे बैठे $6,000 कमा लिए थे अपने सिस्टम और प्रोसेसेस बेच के। अब जैसी ये चीज़ हुई एलेक्स हरमोजी रुके नहीं, उन्होंने इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया, बिकॉज ये तो बिना ऑफर क्रिएट करे उन्हें सेल मिल गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्योंकि वो सेल्स में इतने अच्छे हैं, ग्रैंड स्लैम ऑफर क्रिएट करने में अच्छे हैं, इसलिए उन्होंने थोड़ा और अच्छा एफर्ट डाल के एक अच्छा ऑफर क्रिएट करके उन लोगों को फ़ोन करना स्टार्ट किया जिन लोगों की उन्होंने कहीं ना कहीं पहले मदद करी थी। जिम ओनर्स को उन्होंने फ़ोन करना स्टार्ट किया एंड गेस व्हाट, 6,000 तो बस स्टार्टिंग था। कुछ लोगों ने उनका ऑफर $8,000 में खरीदा, कुछ लोगों ने उनका ऑफर $10,000 में खरीदा। फाइनली ऐसा बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने अपना जो ऑफर था जो पहले 6,000 का बेच रहे थे उसे वो $16,000 तक भी बेचे उन्होंने अच्छे ऑफर्स क्रिएट करके। और बस एक दिन में ये ऑफर्स क्रिएट करने की वजह से उन्होंने $60,000 की सेलिंग कर दी थी। और बात यहाँ पे रुकी नहीं, उन्होंने और न्यू ऑफर्स क्रिएट करना स्टार्ट करे जो जिम ओनर्स की अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करता था, जो और ज़्यादा सुपरहिट साबित हुआ। वो इन ऑफर्स की वजह से वो महीने के $300,000 से बढ़ के $400,000, उसके बाद $780,000, उसके बाद $1 million, $1.2 million, $2 million, और ऐसे करते करते उन्होंने $2.6 million पर मंथ कमाना स्टार्ट कर दिया।
जो पूरा सारा टोटल मिला के उन्होंने एक साल में 26 मिलियन डॉलर्स कमा लिए, जिसमें से 17 मिलियन डॉलर्स पूरा प्रॉफिट था। और ऑब्वियसली इन सारी कमाई से उन्होंने अपने सारे रिफंड्स को क्लियर कर दिया, कर्जे उतार दिए, हर एक चीज़, वो जो क्विक सैंड दलदल था उससे उन्होंने अपने आप को आराम से निकाल लिया। उनका ये जो नया ग्रैंड स्लैम ऑफर्स निकालने का मॉडल था वो बहुत ज़्यादा हिट हुआ, जिसके बाद उन्होंने और भी बहुत सारे जिम लॉन्चेस करे, उन्होंने खुद की सप्लीमेंट कंपनी खोल दी, तभी उन्होंने फिर अपनी गर्लफ्रेंड लीला से शादी भी कर ली, और इसी दौरान उनका अपने डैड के साथ बात होना भी स्टार्ट हो गई थी जो पहले बंद हो चुकी थी। उनके डैड ने उनको सॉरी भी कहा। सब कुछ आप बोल सकते हो पहले से मच 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 बेटर हो गया, लेकिन ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी हमेशा अप्स एंड डाउन से ही भरी होती है। इसीलिए इसके बाद फिर आ गया कोविड। ना कोविड में ऑब्वियसली मार्केट ख़राब हो चुका था जिम का, बट क्योंकि एलेक्स हरमुज़ी की जो पोजिशनिंग थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए उन्होंने सर्वाइव भी कर लिया वो कोविड का टाइम। बट उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें इस पर नहीं टिके रहना है, इसलिए उन्होंने अपने जिम के बिजनेस के 2/3 हिस्से को बेच दिया, और अपना जो प्रेस्टीज लैब उन्होंने बनाया था वो भी उन्होंने बेच दिया, टोटल 46 से अराउंड 47 मिलियन डॉलर्स में। अपना सॉफ्टवेयर कंपनी भी उन्होंने बेच दी। अब उनके पास ना बैठे बैठे पैसे आना स्टार्ट हो गए थे, वो पैसिव इनकम के जो सपने देखते ना ज़्यादातर लोग, वो सपना उनका पूरा हो चुका था। बैठे बैठे उनको बहुत पैसे आ रहे थे, वो अपनी ज़िंदगी पूरा ऐसे ही मज़े से जी सकते थे बिना काम किए। बट क्योंकि वो एक एंटरप्रेन्योर थे इसलिए वो बहुत जल्दी बोर भी होने लग गए, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब ठीक है, ये चीज़ मैंने अचीव तो कर ली है, बट अब इससे कुछ बड़ा करना है, और बड़ा करना है, और लोगों की हेल्प करनी है। इसलिए कुछ बड़ा करने के लिए उन्होंने एक बुक लिखना स्टार्ट करी। 2019 में उन्होंने एक बुक लिखी जिम लॉन्च के ऊपर, जो काफ़ी अच्छी चली, बट वो ज़्यादा जिम से रिलेटेड ही थी। बट वो अपने आपको सिर्फ जिम तक ही बांध के नहीं रखना चाहते थे, वो चाहते थे कि वो पूरी दुनिया तक अपनी सारी नॉलेज, जो बिजनेस के लेसन उन्होंने सीखे वो शेयर कर सके, सारे बिजनेस के सीक्रेट। स्पेशली जैसे कि मैं आपको पता ही होगा, एलेक्स हरमुज़ी जो है ना वो सेल्स में बहुत अच्छे हैं, ग्रैंड ऑफर्स क्रिएट करने में बहुत अच्छे हैं, ऐसे ऑफर्स जिसको लोग नो बोल ही ना पाए, ऐसे ऑफर क्रिएट करने में बहुत अच्छे हैं, जिसकी वजह से वो इतने सारे जिम्स और इतनी सारी चीज़ें कर पाए थे, लॉन्चेस, सक्सेसफुल लॉन्चेस कर पाए थे। तो वो सारी नॉलेज उन्होंने क्या किया, वो सारी नॉलेज उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे मीडियम से शेयर करता हूँ जिससे वो टाइमलेस बन सके, मतलब बड़े लेवल पे जा सके। तो वो चीज़ शेयर करने के लिए अगेन उन्होंने बुक लिखी, जिसका नाम उन्होंने रखा 100 मिलियन ऑफर। जो बुक ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस बुक्स है, बिजनेस रिलेटेड वो वन ऑफ माई फेवरेट बुक बन चुकी है, जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बट अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को एटलीस्ट 10,000 लाइक तक ज़रूर पहुंचा देना। अगर आप वो पहुंचा देते हो तो मैं ये जो 100 मिलियन ऑफर की बुक है ना उसकी समरी बना दूंगा। ये जो बुक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बुक है ना कोई लाखों रुपए की कोर्सेज से ज़्यादा पावरफुल है। मैंने कई सारे कोर्सेज देखे हैं, ट्रस्ट मी इस बुक में जो बातें सिखाई गई है ना वो कई सारे कोर्सेज में सिखाई वाली बातों से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सो अगर आप चाहते हो कि वो बुक की बातें, मैंने तो पढ़ी है, मैंने काफ़ी बार सुन ली, मैं दूसरी बार सुन रहा हूँ उस बुक को, अगर आप चाहते हो कि उस बुक की बातें मैं आपको समरी करके अगर आपको बताऊँ नेक्स्ट वीक अपलोड करूँ, तो बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दो चीज़ें। पहला तो ये वीडियो हो सके तो जितने हो सकता है उतने बिजनेसमैन के साथ आप ये वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मैंने जो राइट वीडियो बनाया वो राइट लोगों तक पहुँच सके। और दूसरा, इस वीडियो पे 10,000 लाइक 20,000 लाइक तक पहुँचा देना, और सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपको जो कोर्स से भी ज़्यादा पावरफुल वीडियो है वो आपको मिल सके। ठीक है, बस इतना करिए। और लास्ट में जैसे कि मैंने बताया, जो बुक भी होगी वो 100 मिलियन ऑफर के ऊपर है। तो ऑफर से एक और चीज़, अगर आप बिजनेस ओनर हो, एंटरप्रेनर हो, ऑनलाइन पैसे कमाते हो, फ्रीलांसर हो, कुछ भी हो, अगर आप ऑनलाइन करते हो कोई चीज़ें जहाँ से आपको लीड जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं एक बिजनेस ई मीटिंग करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे लेसन्स बताने वाला हूँ जो मैंने यूज़ करे हैं, जिससे मैंने बहुत सारे लीड जनरेट करे हैं, कितने एग्जैक्ट लीड जनरेट करे हैं, कैसे कैसे करे हैं, वो सब मैं आपको वो मीटिंग में शेयर करूँगा, जूम मीटिंग होगी, तो वो आप जाके ज़रूर रजिस्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, 100 मिलियन ऑफर बुक बहुत धांसू है, सच बोल रहा हूँ मैं, मतलब हार्डली मैं कोई बुक को इतना ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, इतना ज़्यादा बोलता हूँ कि पढ़ना चाहिए, मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो तो अगेन लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को, लाइक, कमेंट, शेयर, जो कमेंट करके भी बता देना कि हाँ भाई बनाओ, इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मैं ज़रूर बनाऊंगा, डिटेल में बनाऊंगा, अच्छे से बनाऊंगा, ताकि आपको वो सारी बातें सीखने मिल सके जो ऑनलाइन अच्छा बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो एलेक्स हरमुज़ी ने यूज़ किया है 100 मिलियन मैन बनने के लिए, आप बोल सकते हो। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक ज़रूर कर देना सपोर्ट दिखाने के लिए, शेयर कर देना इस वीडियो को स्पेशली बिजनेस ओनर्स के साथ या जो लोग भी ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं उनके साथ। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।